खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में जिस रेलवे ब्रिज पर भगदड़ मचने से आपको याद होगा 23 लोगों की जान चली गई थी, उस रेलवे ब्रिज को अब भारतीय सेना बनाएगी। एक महीने पहले 29 सितंबर को रेलवे ब्रिज पर भगदड़ मची थी। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एल्फिंस्टन स्टेशन पर पहुंचे, उनके साथ पुलिस के अलावा सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि मुंबई के इस एल्फिंस्टन ब्रिज को अब भारतीय सेना बनाएगी। सीएम फडणवीस सेना के अधिकारियों के साथ आज पहुंचे थे। आपको याद होगा 23 सितंबर को फुटओवर ब्रिज की चौड़ाई कम थी, बारिश हो रही थी बाहर, भगदड़ मची और इसमें 23 लोगों की जान चली गई। उसके बाद कई गंभीर सवाल उठे कि आखिर सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन को जोड़ने वाला सिर्फ एक ही ब्रिज क्यों। तब की तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। और अब एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि एल्फिंस्टन ब्रिज पर निर्माण का कार्य, उसे दोबारा बनाने का काम भारतीय सेना करे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुलिस के अलावा सेना के अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सेना के अधिकारियों के साथ खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां पहुंचे। 23 सितंबर की एक घटना है जब एल्फिंस्टन ब्रिज गिर गया था और उसमें भगदड़ मची थी जिसमें 23 लोगों की मौत हुई थी। एल्फिंस्टन स्टेशन दुर्घटना के एक महीने बाद महाराष्ट्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। एल्फिंस्टन रोड स्टेशन और परेल रेलवे स्टेशन को जोड़ते हुए बनाया जाएगा नया ब्रिज और इस ब्रिज को बनाने का काम दिया जाएगा सेना को। 29 सितंबर को एल्फिंस्टन रोड स्टेशन के इसी ब्रिज पर भगदड़ हुई थी जिसमें 23 लोगों की मौत हुई थी। इस आप पतले सकरे ब्रिज को देख सकते हैं, इसी पर भीड़ थी और सुबह के वक्त बड़ा हादसा हुआ, इसमें 23 लोगों की मौत हुई और कई लोग जख्मी हो गए थे। भगदड़ मच गई थी, उस वक्त बारिश हो रही थी, सुबह लोग कामकाज के लिए जा रहे थे, लेकिन एकमात्र ब्रिज होने से ज़्यादा भीड़ हो गई और भगदड़ में 23 लोगों की मौत हो गई। महज 20 से 25 मिनटों के इस दुर्घटना में 23 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद सरकार जागी। रेल मंत्रालय ने दूसरे दिन कई कठोर फैसले लिए, लेकिन कठोर फैसला लेने के बाद अब एक महीने बाद एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार पिछले एक महीने से लगातार कोशिश कर रही थी कि ब्रिज जल्द से जल्द बनाया जाए। चूंकि टेंडर निकाला जा रहा था, टेंडर निकालने में काफ़ी वक्त लगता, यह प्रक्रिया काफ़ी बड़ी हो सकती थी, लेकिन ब्रिज का निर्माण बहुत ज़रूरी है। चूंकि वेस्टर्न रेलवे लाइन और सेंट्रल रेलवे लाइन को जोड़ते हुए यह एकमात्र ब्रिज है, ऐसे पर आप देख सकते हैं यह वेस्टर्न रेलवे लाइन है और इस वेस्टर्न रेलवे लाइन के समानांतर परेल स्टेशन आता है और इसको जोड़ने के लिए एकमात्र ब्रिज है, ऐसे पर दूसरी ब्रिज बनाने की आवश्यकता थी। कई बार पत्र लिखा गया लेकिन दूसरा ब्रिज नहीं बन रहा था। अब बड़ा फैसला लिया गया है कि सेना बनाएगी यह ब्रिज, भारतीय सेना को यह जिम्मेदारी दी गई है। भारत के इतिहास में ऐसे बहुत कम अवसर हुए हैं जब भारतीय सेना सिविल काम करेगी, यानी कि ब्रिज बनाएगी। जरूरत थी ब्रिज बनाने की। ये आप देख सकते हैं भारतीय सेना के जवानों को जो कि फिलहाल मुआयना कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यह स्थान हो सकता है जहां से ब्रिज की शुरुआत हो और इसी जगह से ब्रिज बनाकर जो सेंट्रल रेलवे लाइन का परेल स्टेशन है वहां तक ब्रिज को जोड़ा जाए। जल्द से जल्द यह ब्रिज बनाने का काम किया जाना चाहिए और ऐसे पर यह काम दिया गया है सेना को, क्योंकि सेना के इंजीनियरिंग स्किल पर किसी को भी संदेह नहीं है, ऐसे पर सेना को यह काम दिया गया है। आप देखें यह सेना के तमाम अधिकारी हैं, मिलिट्री पुलिस है, उनके हाथ में कुछ मैप है। दरअसल एक छोटा सा प्रेजेंटेशन ये देंगे मुख्यमंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल को और उसके बाद में यह प्रस्ताव पास होगा यहाँ से और एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि कैसे यह ब्रिज बनाया जाए। कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द यह ब्रिज बनाया जाए। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक भाजपा नेता आशीष शेलार इस दुर्घटना के बाद दिल्ली गए थे, उन्होंने कई बार तो एक वैकल्पिक ब्रिज की मांग लगातार होती रही और एल्फिंस्टन ब्रिज हादसे के बाद अब सेना बनाएगी एक और ब्रिज वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन को जोड़ने के लिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।